नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लिवेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद आसान और मज़ेदार स्वीट कॉर्न चाट। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इस रेसिपी के लिए इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट आप यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए पहले हम स्वीट कॉर्न को स्टीम कर लेंगे। दोस्तों, हम स्वीट कॉर्न को पानी में उबालकर नहीं पकाएंगे क्योंकि ऐसा करने से इसके न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल जाएंगे और वेस्ट हो जाएंगे। कॉर्न को हम छलनी में अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसे ढक देंगे और इसे लगभग 6-7 मिनट तक स्टीम होने देंगे। स्वीट कॉर्न पकने की खुशबू आने लगी है। लगभग 6-7 मिनट हमने इसे स्टीम किया है। आप देख सकते हैं कॉर्न अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस बंद करके इसे एक बोल में निकाल लेंगे। कॉर्न को हमने थोड़ा सा ठंडा होने दिया है। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं। सबसे पहले बारीक कटा हुआ प्याज मिलाएंगे। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मैंने यहाँ पर कम तीखी हरी मिर्च इस्तेमाल की है। साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा चाट मसाला। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, नींबू का रस, और आखिर में इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, नमक डालते ही प्याज पानी छोड़ने लगता है, इसलिए अगर आप ये चाट पहले बना के रखने वाले हैं और बाद में इसे खाने वाले हैं तो चाट खाने से तुरंत पहले ही नमक मिलाएं। एक बार चाट को टेस्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा और चाट मसाला और नमक डालकर ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा, तो मैं ये दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, आप स्वाद अनुसार मसाले और नमक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चटपटा और मज़ेदार स्वीट कॉर्न चाट तैयार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।